तो दोस्तों लखनऊ में बने एशिया के सबसे बड़े मॉल लुलू मॉल के अंदर रोज कोई ना कोई नया विवाद पैदा होता जा रहा है और नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। अभी तक तो हम सबने देखा था कि हिंदू महासभा के लोग लुलू मॉल के अंदर घुसकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहते थे क्योंकि वहां पर तथा कथित तौर पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है इस पूरे विवाद के अंदर। दरअसल सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ है कि जिन लोगों ने वहां लुलू मॉल के अंदर नमाज पढ़ी थी वो शायद मुसलमान थे ही नहीं। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद लखनऊ के डीसीपी ने खुद कहा है कि ये लोग एक साथ मॉल के अंदर घुसे। पहले इन्होंने मॉल के बेसमेंट में, फिर उसके बाद ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा रोके जाने पर ये सेकंड फ्लोर पर चले गए जहां पर भीड़ भाड़ कुछ कम थी, और एक कोना, एक किनारा देखकर ये लोग झटपट वहां बैठ गए और उसके बाद किसी इंसान ने इनकी वीडियो बना ली, इनकी फोटोज ले ली जो वायरल हुई और हम सब ने देखी। इस वीडियो के सामने आने के बाद किस तरह से मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की गई ये तो सारे जग ने देख लिया, लेकिन अगर इस बात में कोई तथ्य है कि जो लोग नमाज वहां पढ़ रहे थे उन्हें नमाज कैसे पढ़नी है वो पता ही नहीं था, तो आखिर कौन थे ये लोग? सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन ने ये बात उठाई, ये मुद्दा उठाया कि उस वीडियो में देखने से साफ पता चल रहा है कि वो लोग सिर्फ 18 सेकंड में नमाज पढ़कर उठ खड़े हुए। उनमें से कुछ लोगों का मुंह तो पश्चिम की ओर था, लेकिन एक शख्स कुछ अलग ही एंगल, एक अलग ही डायरेक्शन में बैठा हुआ था, जैसे मानिए कि वो अपने आप को मस्जिद का मौलाना दिखाना चाह रहा हो। तो आखिर ये लोग कौन थे जो जान बूझ कर ये कॉन्स्पिरेसी कर लुलू मॉल के अंदर गए? और आप जानते होंगे कि उस मुद्दे को उठाने वाले शिशिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे इस पूरे मामले में बदला लेने के लिए मुसलमान धर्म से। लेकिन आइए आज जानते हैं कि आखिर ये शिशिर चतुर्वेदी हैं कौन। अगर आप शिशिर चतुर्वेदी के फेसबुक को खंगालेंगे तो उनके फेसबुक पर मुझे एक पोस्ट मिला और उस पोस्ट से ये मालूम हुआ कि शिशिर चतुर्वेदी जी दरअसल एक एडवोकेट हैं, लेकिन इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। उनका एक पोस्ट सुनिए, उन्होंने लिखा है, दुख के साथ मैं आपसे सवाल करता हूं, पार्षद से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, आखिर हिंदूवादी चेहरे सरकार होने के बावजूद आखिर मेरे पास सताए हुए हिंदू कहां से आते हैं? आखिर ये निचले स्तर से देश के शिखर तक बैठे हुए जन प्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सनातनियों के साथ न्याय है, यानी कि भाजपा का जो एक स्लोगन है सबका साथ सबका नारा, उससे दिक्कत है शिशिर चतुर्वेदी को? लेकिन आगे भी सुन लिए आगे उन्होंने क्या लिखा है कि ऐसे ही चुपते हुए सवालों का जवाब देने के लिए मैंने सोचा है कि मैं अब जुल्मों की आवाज को उठाना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं आगे जाकर अपने भगवा को पहचान बनाऊंगा और केवल सनातनी मुझे वोट दें। अगर मैं लोकसभा लखनऊ का निर्दलीय प्रत्याशी बनूंगा तो पहला ऐलान होगा पूर्व की तरह केवल सनातनी मुझे वोट करें। मैं चाहता हूं मेरा बैले केवल भगवा पहचान बने और मुझे किसी भी दल के आगे नाग रगड़ना ना पड़े, केवल और केवल मेरे सनातनी भाई ही मेरा गर्व बने। यानी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है, उनका प्लान है, और हो सकता है कि इस लुलू मॉल के मुद्दे को कैश कराना चाहते हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, क्योंकि उनके इस पोस्ट पर इतने लाइक्स हैं जितने लाइक उनके किसी और पोस्ट पर नहीं है। ऐसे में देखिए, जो धर्म होता है, धर्म के मुद्दे पर लोग अंधाधुंध एक टॉपिक को, एक इंसान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ये जाने बगैर कि वो शख्स क्या है, उसकी मंशा क्या है। हो सकता है शिशिर चतुर्वेदी जी भी इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए इस पूरे लुलू मॉल का किस्सा उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने एक बात और बोली थी इंटरव्यूज में भी, मैंने कई बार सुना कि उन्होंने बोला कि इस लुलू मॉल के अंदर पहले बोला था 70% मुसलमान है, बाद में बोला 80% मुसलमान है और 20% हिंदू महिला है, यानी इसे लव जिहाद का अड्डा बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक और तस्वीर है और उस तस्वीर में, ये तस्वीर जो है
ये खुद लुलू मॉल ने ही जारी करी है। ये उनका एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा है, ये अत्यंत दुखद है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी कर्मी हैं उनमें स्थानीय, उत्तर प्रदेश और देश से भी हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा हिंदू हैं तथा शेष में मुस्लिम, ईसाई एवं अन्य वर्गों के लोग हैं। हमारे प्रतिष्ठान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि संचालित करने की छूट नहीं है। यानी कि लुलू मॉल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि उनके यहाँ कर्मचारी 80% हिंदू हैं, उसके बाद जो 20% बचता है उसके अंदर मुसलमान हैं, ईसाई हैं और अन्य वर्ग के लोग हैं। तो ये जो एक दावा हिंदू महासभा के लोग कर रहे थे कि वहाँ पर स्टाफ के तौर पर मुसलमान लड़कों को ज़्यादा रखा गया, 80% रखा गया, वो दावा तो पूरा झूठ फेल हो गया है। अब आप लुलू मॉल के ऊपर तो भरोसा करेंगे ना। लुलू मॉल के जीएम खुद उठकर गए शिशिर चतुर्वेदी के घर पर, उन्हें समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ स्टाफ मेजॉरिटी में हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद शिशिर चतुर्वेदी नहीं माने। हो सकता है उन्हें दो बातों से दिक्कत हो। पहली बात तो ये कि उन्हें इलेक्शन लड़ना था, बीजेपी के साथ नहीं जा पा रहे, इसलिए निर्दलीय खड़ा होना था, तो अब वो आ गए न्यूज़ में। अब उन्हें उनके जो सारे फॉलोअर्स अंधभक्त बने हैं वो अब उन्हें वोट दे दे। और दूसरी प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है कि बार बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में कहा, अपने बाइट्स में कहा कि इस मॉल के अंदर अरबियों का पैसा लगा है, काला पैसा लगा है। तो शिशिर चतुर्वेदी जी को शायद प्रॉब्लम हो रही हो कि इतना बड़ा मॉल, एशिया का सबसे बड़ा मॉल, और उसके मालिक एम ए यूसुफ अली किसी और धर्म के, इसीलिए उन्होंने लुलू मॉल की छवि को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन वो ये भूल गए कि इतना बड़ा जो एक इन्वेस्टमेंट आया है उससे पूरे उत्तर प्रदेश में कितना फायदा होगा, कितने हजारों वहां पर नौकरियां निकली हैं और उन नौकरियों को भी पाने वाले 80% हिंदू हैं। तो शिशिर चतुर्वेदी ने अपनी यहाँ जो एक गंदी पॉलिटिक्स फैलाई उसके अंदर लुलू मॉल के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब पुलिस की यहाँ पर एक बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालें, आखिर पता करें, और जिस लेवल पर ये गंदगी फैलाई गई है उसी लेवल पर इसे बताया जाए दुनिया को कि वो लोग जो दरअसल वहाँ पर नमाज पढ़ के गए हैं वो मुसलमान थे भी या नहीं, इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च होना चाहिए कि वो लोग कौन थे, क्यों थे वहाँ, क्यों आए, किस सोच से आए, क्या उन्होंने पहले से इस कॉन्स्पिरेसी को लिखा हुआ था, तभी वो लोग सीसीटीवी फुटेज में सीधा नमाज पढ़ के वापस चलते बने दिखे। उन्होंने मॉल घूमने का, भाई नया मॉल बना है घूम लेते हैं, उन्होंने ऐसी कोई कष्ट नहीं किया, वो आए नमाज पढ़े, वीडियो बनवाए और मजे से चले गए। तो इन लोगों के ऊपर पूरा पूरा सवाल उठता है। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और हमारे चैनल हाउ इंडी को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद।